वचन की तरफ चलेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, पुनरुत्थान के विषय में बात करेंगे। व्हाट द बाइबल सेज अबाउट द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के विषय में बाइबल क्या कहती है। आप संसार में देखिए, लोग आज पुनरुत्थान दिवस कैसे मना रहे हैं, यीशु मसीह जी उठा, हम भी मरने के बाद जी उठेंगे। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब हम आपको बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल बताएंगे, हम कोई अपना कॉन्सेप्ट आपके आगे नहीं रखेंगे। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं और इसको रिसर्च करके इसकी डेप्थ में जाके देख सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, इफ यू वॉन्ट तो आपके लिए है, आप उसको देखिए। मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, उसका 4-6 पद पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। किनको? लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ कितने हजार वर्ष तक राज्य करते रहे। यानी ये राज्य करते हुए यहां पे आए हैं सिंहासन पे न्याय करने। ठीक, ये अभी हम आपको थोड़ा सा नक्शल बता रहे हैं, इसकी डिटेल आपको बाद में बताएंगे जी। और जब तक ये हजार वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ, मृतकोत्थान पुनरुत्थान एक ही बात है भैया, शब्द बदल देने से मीनिंग नहीं बदल जाती। अरे आप बाइबल के वर्जन बदल दीजिए, आपको भाषा बदल जाएगी। आप लोग उनको शब्दों को मत पकड़ना, ये मैच्योरिटी का पार्ट है। आप जब मैच्योर होते हैं तो मृतकोत्थान पुनरुत्थान बताइए अंतर क्या है, बताइए। तो चाहे मृतकोत्थान बोलो चाहे पुनरुत्थान बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो रेजरेक्शन बोल दो। हाँ, और पुनरुत्थान का मतलब फिर से किसी चीज का उत्थान है, एक ही चीज इंग्लिश में रेजरेक्शन है। जी, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है, ऐसो पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे। कौन? फर्स्ट रेजरेक्शन के जो, हाँ, जो पार्टिसिपेंट होंगे इन द फर्स्ट रेजरेक्शन, उनके ऊपर सेकंड डेथ का कोई चांस नहीं, उसको कोई डर नहीं। आज आपको बहुत चौंकाने वाली चीज मिलेगी। हमने अपने बचपन से लेके और आज तक ये प्रकाशन नहीं कभी पाया, कहीं किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी में मुझे मिला ही नहीं। उनका ये मानना है कि यीशु मसीह मरा और जी उठा, हम मसीही हैं और हम मरने के बाद जब जी उठेंगे तब हम पुनरुत्थान के भागी होंगे, लेकिन बाइबल इसका अगेंस्ट बोल रही है। सच बोलने के लिए माफी, क्योंकि जो वचन कहेगा हम वचन को मानते हैं, हम किसी संस्था की विचारधारा को और उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। यहां पे क्या लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में पढ़िए, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, ये वाली कौन सी वर्स है?
6 in English. Blessed, happy, to be envied and holy, spiritually, whole of, unimpaired, innocence, and proved virtue, is the person who takes part, share in the first resurrection over them, the second death. यानी जो जिसके ऊपर प्रथम पुनरुत्थान जिसने प्राप्त कर लिया उसके जीवन में द्वितीय मृत्यु second death exerts no power or authority, but they shall be ministers of God and of Christ the Messiah, and they shall rule along with him 1,000 years. अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझसे पूछिए, नहीं आएगा. यही पे जाके कन्वेंशनल क्रिश्चियंस यही जाके फंसते हैं एट द एंड पार्ट. रेजरेक्शन से ही मामला, कलीसिया की शुरुआत कहां से हुई थी? रेजरेक्शन से हुई थी या यीशु मसीह के जन्म से हुई थी? तो रेजरेक्शन मैसेज कहां गया? आज कलीसियाओं में नहीं है, और इसीलिए टीचिंग रेजरेक्शन से रिलेटेड नहीं है. मेरे साथ अब आप चाहिए मेरे साथ आइए डैनियल की पुस्तक, ओल्ड टेस्टमेंट, इन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 1 and 2. ऊपर हिंदी वाली बाइबल में लिखा होगा अंत का समय. उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा. तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम, बहुत ध्यान दीजिएगा, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे. ठीक. और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे यानी मृतक, हां, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे यानी पुनरुत्थान हो जाएगा. जी देखिए, दो पुनरुत्थान यहां पे बता रहा है. ये प्रोफेटिक लैंग्वेज है, आप इसको समझेंगे नहीं, हम इसको स्टडी से क्लियर करेंगे. ये प्रश्न यानी प्रश्नवाचक सब्जेक्ट है, हमने आपको लिया. लिखा है कि कितने तो सदा के जीवन यानी इटर्नल लाइफ के लिए जी उठेंगे, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने. यानी दो रेजरेक्शन. ठीक, आपको यहां भी नहीं समझ में आएगा, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा. थोड़ा ना समझिएगा, समझिएगा तो पूरा समझिएगा इस विषय को. प्रथम पुनरुत्थान, प्रथम मृत्यु से ही प्रथम पुनरुत्थान है, द्वितीय मृत्यु से द्वितीय पुनरुत्थान है. ठीक, तो दो डेथ्स हैं और दो रेजरेक्शंस हैं. इतना क्लियर हो गया ना? नहीं क्लियर है तो आप फिर प्रकाशित वाक्य में जा सकते हैं. जब परमेश्वर ने आदम से कहा था इस पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन तू इसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, और उसने फल खाया और जो तुरंत डेथ हुई थी वो फिजिकल नहीं हुई थी. पहली मृत्यु क्या थी? स्पिरिचुअल डेथ थी. द्वितीय मृत्यु फिजिकल डेथ. तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए अबाउट डेथ. फर्स्ट डेथ स्पिरिचुअल डेथ, सेकंड डेथ फिजिकल डेथ. क्लियर? आगे बढ़े तो फर्स्ट रेजरेक्शन कैसा होना चाहिए, फिजिकल के स्पिरिचुअल? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब मेरे साथ आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 पद से पढ़िए. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो, अब देखिए इसमें ग्रामर पे जाइएगा, किस टेंस में बात की जा रही है.
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पी की प्रतीति करता, मतलब उस पर बिलीव करता या उसको मान लेता है, जी अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर करेगा या कर चुका। तो अभी तक किसी ने किया ही नहीं, क्वेश्चन तो यही है, यीशु मसीह यही क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम कौन सा पुनरुत्थान मना रहे हो? हम तो पुनरुत्थान की संतान है, हम वो पुनरुत्थान नहीं मनाते जो सब मना रहे, सांसारिक मसीही वो पुनरुत्थान मना रहे कि हमारा पुनरुत्थान होगा, वो फिजिकल रेजरेक्शन पकड़ के खड़े हैं, जबकि स्पिरिचुअल रेजरेक्शन फर्स्ट, स्पिरिचुअल डेथ पहले हुई है तो स्पिरिचुअल रेजरेक्शन भी पहले होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब नहीं समझ में आया? नहीं आया, आगे पढ़ लीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं यीशु मसीह की बोली आपके सामने रख रहा हूं टेंस के साथ, आपको ध्यान देना उसके टेंस पे। जी वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डेड लिखा है, डिसीज्ड नहीं लिखा है। फिजिकल डेथ जिसकी होती है उसको डिसीज्ड लिखते हैं, डेथ बोलते हैं, डेड नहीं बोलते। डेड का मतलब क्या हुआ है? स्पिरिचुअल व्यक्ति जब डेड हुआ तो स्पिरिचुअली अलाइव होगा, उसके लिए स्पिरिचुअल डेड लोगों की बात की जा रही है, मृतक जो परमेश्वर के, हाँ पढ़िए, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे तो इनका तो रेजरेक्शन हो गया, स्पिरिचुअल रेजरेक्शन हो गया। तो कहां है स्पिरिचुअल रेजरेक्टेड क्रिश्चियंस? वेयर दे आर? क्योंकि पौलुस ने ये लिखा, पौलुस बहुत बहुत सीरियसली पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा शिक्षा दे रहा था, जिस शिक्षा को आज बिल्कुल हटा दिया गया है, और अगर लेते भी है तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट से लेते हैं और रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, क्योंकि फिजिकल माइंड काम कर रहा है, स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन और स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं है लोग। जी क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है अपने आप में जीवन रखे। वरन यीशु मसीह को एक और चीज दी गई है, न्याय करने का भी अधिकार दिया है। जी अधिकार दिया है इसलिए, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। अब देखिए फिर यहां पे दो रेजरेक्शन आ गए नए नियम में, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, कौन सा पुनरुत्थान, आप कौन सा पुनरुत्थान मना रहे हैं? अब आप कहेंगे हमने पुनरुत्थान पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यस अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट एवरीथिंग इज डबल, हर चीज दो है, दो प्रकार के मसीही, दो प्रकार के विश्वासी, दो प्रकार की डॉक्ट्रिन, दो प्रकार की कलीसियाएं, दो प्रकार, सब कुछ दो है। यही यीशु मसीह दो में, वो कहना चौड़ा मार्ग सकरा मार्ग, दो खेत में जंगली दाने का बीज और गेहूं के दाने का बीज, दो हर चीज दो, आप उन दो में से कौन से हैं, और दो में एक ट्रू एक फॉल्स है। How we discern what is true and what is false? जो born again हो गया और spiritually mature हो गया उसके जीवन में truth reveal होगा, और जो भी born again नहीं हुआ और spiritually mature नहीं हुआ वो जंगली दाना हो सकता है, suspected है, question mark लगा लीजिए। Hallelujah। और क्या चीज इस चीज को प्रकट करेगी कि वो कौन ट्रू है कौन फॉल्स? वर्ड ऑफ गॉड।
ये कभी मत छोड़िएगा। ये ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है। तरह तरह की शिक्षाएं तरह तरह की भावनाओं के साथ आपको दी जा सकती है, लेकिन ट्रुथ केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। वो किसी व्यक्ति की भावना का है के द्वारा नहीं। भावनाओं में कभी मत फंसिएगा। भावनात्मक क्रिश्चियनिटी वो इमोशनल क्रिश्चियनिटी है। जब आप उसमें से निकल आते हैं ना, तब आपको ट्रुथ बोलने की पावर दी जाती है। और ये सबको नहीं दी जाती। कोई खड़े होकर ऐसे बोल नहीं सकता। ट्रुथ वही बोलेगा। यीशु मसीह ने ट्रुथ बोला क्योंकि वो स्वयं ट्रुथ था। उसके चेलों ने ट्रुथ बोला क्योंकि यीशु मसीह जो ट्रुथ था उनके अंदर प्रकट हुआ, तब उन्होंने बोला। उससे पहले वो भी नहीं बोल सकते थे। हालेलुया। और वो ट्रुथ उसी जिसको वो पकड़ लेता है उसके अंदर पहले वो चीजें प्रिपेयर करता है, फुली मैच्योर करता है, फिर प्रभु अपने साथ खड़ा करता है कि मेरे साथ खड़ा हो, बोलेगा तू काम मैं करूंगा। हालेलुया। और वो काम करने लगता है। हमारा काम सिर्फ मालूम क्या है? आपको ट्रुथ बताना, उस ट्रुथ को यानी आपके जीवन में साबित करना किसका काम है? प्रभु यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। दो रेजरेक्शन आपके सामने रख दिए और दो डेथ पहले से आ रही थी। जब दो डेथ आ रही है तो रेजरेक्शन भी तो दो होंगे। अब मामला उलझ गया। हालेलुया। क्या आप द्वितीय पुनरुत्थान में बिलीव करते हैं कि प्रथम पुनरुत्थान में? ये एक सीरियस क्वेश्चन है। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा जब तक समझ में ना आए। ये मुद्दा गंभीर है। हालेलुया। मेरे साथ आइए, कुछ बातें पौलुस के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने बोली थी, हम आपको फिर बोल रहे हैं, बाइबल पढ़ते समय केवल शब्द मत पढ़ा कीजिए, उसकी ग्रामर पर जरूर जाइए। सारा भेद तो वहीं पे है। इंग्लिश की ग्रामर समझ में आती हो तो इंग्लिश ग्रामर में चले जाइए, हिंदी ग्रामर समझ में आती हो तो हिंदी ग्रामर में चले जाइए, लेकिन उसका उसके ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक पद निकालिए, पहले निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक ये कौन से मृतक है जो प्रभु में मर रहे हैं? ऐसे तो सब मरते हैं, फिजिकल डेथ सबकी होती है, ये फिजिकल डेथ की बात नहीं की जा रही। वो मृतक जो प्रभु में मरते हैं, इसको भी अभी आप एकदम साइड में कोने में रख लीजिए भाई। देखिए, पहले रेसिपी के लिए अलग अलग चीजें काट के रखी जाती हैं। वो अब से कौन? वो मृतक जो प्रभु में मरते हैं। अभी मैं आपको वो मृतक दिखाऊंगा जो प्रभु में मर गया। नहीं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो धन्य। इंग्लिश में एक ही वर्ष पढ़नी बस। देन आई हर्ड फर्दर परसीविंग द डिस्टिंक्ट वर्ड्स ऑफ अ वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग राइट दिस ब्लेस्ड हैप्पी टू बी एनवीड आर द डेड फ्रॉम नाउ। देखिए, फिर डेड वर्ड यूज किया, डेथ नहीं यूज किया, डेड। फ्रॉम नाउ ऑन हु डाई इन द लॉर्ड, यस ब्लेसेड हैप्पी टू बी एनवीड इंडीड सेज द स्पिरिट इन दैट दे मे रेस्ट फ्रॉम their labors for their works deeds do follow attend accompany them। इसका मतलब बता दीजिए क्या लिखा है इंग्लिश में। अब सब फंस गए। हाँ, क्योंकि वो अपने सारे परिश्रम से कौन जो प्रभु में मर जाएंगे नहीं जो प्रभु में मर गए वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पा गए जी, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया।
अभी भी नहीं समझ में आया होगा, हमें मालूम है अभी नहीं, इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। और आज तो दिन भी बहुत सही है, डे ऑफ रेजरेक्शन है, तो रेजरेक्शन ही क्लियर करना चाहिए मौके पे, वो चीज ज्यादा काम करती है। क्या समझ में आया? मैं आपको एक व्यक्ति दिखाता हूं जो प्रभु में मर गया। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 2:20 पर, इन द इंग्लिश बोथ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित मर रहा हूं। ये कौन है? आपने देखा, एक व्यक्ति मैंने आपको दिखा दिया जो प्रभु में मरा, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। फर्स्ट रेजरेक्शन, इसको सेकेंड डेथ से कोई नुकसान नहीं, और आगे जाके इसका सारा रास्ता क्लियर है। फर्स्ट डेथ और फर्स्ट रेजरेक्शन मस्ट है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब आप बताइए, आप विश्वास से जीवित है मसीह में, या आप जी उठने का इंतजार कर रहे हैं, फिजिकल रेजरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन फर्स्ट डेथ अभी आपकी, फर्स्ट डेथ वैसे ही है, यानी जो स्पिरिचुअली डेड है वो फिजिकली भी डेड हो जाएंगे, उसके बाद इटर्नल डेथ। मैंने इसको सब्जेक्ट को क्लियर किया था पहले स्टडी में, याद कीजिएगा, पुराना निकाल के देख लीजिएगा। एक है स्पिरिचुअल डेथ है, फिर फिजिकल डेथ है, और इटर्नल डेथ है। अब आप स्पिरिचुअल डेथ पहले आई थी तो स्पिरिचुअल रेजरेक्शन भी पहले आया, और स्पिरिचुअल रेजरेक्शन के बिना आपके फिजिकल रेजरेक्शन से आपको कोई फायदा नहीं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, बस अभी इसी के साथ रोमियो की पत्री 5:16-19, रोमियो की पत्री 5, ये वही व्यक्ति है जो प्रभु में मर गया। ये धन्य है वो जो प्रभु में मर गया। जी, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही। देखिए, आपका मसीह में परिपक्व हो जाना, आके मसीह में राज्य शुरू हो गया आपका। आपको यही नहीं पता कि आप काहे में हैं। मसीह में का मतलब है फर्स्ट रेजरेक्शन के भागीदार होना, और जो फर्स्ट रेजरेक्शन के भागीदार हो गए उनको द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं। आपकी फिजिकल डेथ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु हमें दे देगा आत्मिक देह देगा, आत्मिक जीवन को, आत्मिक हमारा भीतरी मनुष्य तो जब आत्मिक हो गया, आत्मिक रेजरेक्शन हो गया, तो बॉडी मिट्टी की बॉडी उसको नहीं चाहिए, ये स्वर्ग नहीं जा सकती। मिसकॉन्सेप्शन क्या चल रहा है, लोग ग्रेव्स को कच्चा रखते हैं, रेजरेक्शन होगा तो निकल जाए आसानी से। और ये बाइबल ही नहीं, उनको ना तो बताया गया ना उनकी समझ में आया। फिजिकल माइंड को कभी समझ में नहीं आएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हमारी जो देह है, ये मिट्टी की देह, ये स्वर्गीय देह नहीं है, हमें स्वर्गीय देह दी जाएगी। तो फर्स्ट रेजरेक्शन में हमारा भीतरी मनुष्य थे, यानी हमारा सोल उद्धार पा जाता है पूरा, और मसीह में हम आ जाते हैं, और मसीह हमारे अंदर जीवित होता, हम पाप के लिए मर जाते हैं। अब हम आपको इसको सिंपल कर देते हैं। आदम से जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव है ना,
मृत्यु राज्य कर रही है, यानी स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकली अलाइव, मृत्यु का जीवन है, फिजिकल लाइफ मृत्यु का जीवन है। जब मसीह आते हैं तो स्पिरिचुअली अलाइव हो जाते हैं, फिजिकली निष्क्रिय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेथ नहीं डेड हो जाते हैं। पहले हमारा स्पिरिचुअल पार्ट डेड था आदम में और फिजिकल अलाइव था, मसीह में आते ही हमारा स्पिरिचुअल अलाइव हो जाता, फिजिकल हम वैसे ही रहते हैं। पौलुस इसी बात को अपने जीवन से रिवील कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके द्वारा यही बातें लिखवा रहा था, कलीसिया में यही बातें बोलनी थी, लेकिन स्पिरिचुअली बोर्न अगेन और स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति होगा तभी इस बात को, जो इस भाग बन गया वही ये बात बता पाएगा अपने जीवन से। यस वही कह रहे हैं, फिजिकल माइंड से प्रचार बहुत ज्यादा हो गया और लोग फिजिकल कॉन्सेप्ट में फंस गए। छूटना चाहते हैं तो छूट सकते हैं क्योंकि वचन सबके पास है, रिटन वर्ड, और पवित्र आत्मा आपको प्रकाश तो दे रहा है। हालेलुया। तो यहां पर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जीवित हो गए। तो अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, यानी वो पुनरुत्थान का भागी हो गया। तो आप मसीह में पुनरुत्थान का आनंद मना सकते हैं कलीसिया में। और आज लोग कलीसिया में पुनरुत्थान के विषय में कि हम भी जी उठेंगे कब, अब ये किसी को नहीं पता कब। हालेलुया। आगे बढ़िए 16-19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों, हाँ, दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से ये किसके किसके बीच है कंपैरिजन? मसीह, आदम और मसीह, हम आदम में हैं या मसीह में हैं? ये स्टेटस क्योंकि इंटरनल है, फिजिकली कोई नहीं जज कर पाएगा, लेकिन आपको उसके जीवन से और उसके उसके जीवन शैली से और उसके सोच विचार से संपर्क में नजदीक जाने से पता चलेगा। जी अभी एक और में निकालिए, रोमियो 6:6-14। हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो मर गया, अब ये बताइए, जो मर गया वो पाप से छूटकर आप धर्मी क्यों ठहर गए? मसीह में लोग धर्मी क्यों ठहरते हैं? नहीं, आप पाप के लिए मर जाते हैं। पौलुस ने कहा मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में, मसीह अगर मुझ में जीवित है तो हम पाप के लिए मर गए, तो हम धर्मी ठहर गए। फर्स्ट रेजरेक्शन, एक ही बार तो मरना है ना, तो हम पहले ही ना मर जाए। यही तो पौलुस कह रहा था, कह रहे फिजिकल डेथ का इंतजार मत करो, उसके बाद तो इटर्नल डेथ है, पहले ही मर जाओ और पुनरुत्थान के भागी हो जाओ ताकि तुम्हें फिजिकल डेथ तुम्हारा रास्ता ना रोक सके। हालेलुया। दिस इज द डे ऑफ रेजरेक्शन इन योर लाइफ। एंजॉय करना चाहते हो मसीह में तो ये है रास्ता। आगे पढ़ दो बेटा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए, तो आप उसके साथ जी रहे हैं या आप इंतजार कर रहे हैं कि फिजिकल डेथ के बाद कब्र फटेगी, अब पता नहीं होगा कि नहीं। इसीलिए तो लोग गुनाह में चले जाते हैं कलीसिया में, अरे वो किसने देखा। आज लो आनंद, मृत्यु से पार होके जीवन में आज प्रवेश करो और आज से अपने जीवन में पुनरुत्थान का जीवन जीना शुरू करो। यह है मसीही जीवन, सच्चा मसीही जीवन यही है। और तुम्हारी जिंदगी लोगों के बीच में आश्चर्य करना बन जाए तो कहना, मैं तुम्हें ऐसे बोल ऐसी बुद्धि दूंगा कोई तुम्हारी बात का ना सामना कर पाएगा ना खंडन कर पाएगा। इंटेलेक्चुअल्स फेल हो जाएंगे, फिलोसफीज फेल हो जाएगी। आगे पढ़ दो बेटा। क्योंकि ये जानते हैं
मसीह मरे हो में से जी उठकर, अब दोबारा उसकी मृत्यु होनी नहीं, एक ही बार हो गई, उस पर फिर मृत्यु की आप पर भी और हम पर भी नहीं होगी अगर हम मसीह में अभी पहले ही शारीरिक जीवन के लिए मर जाए, आत्मिक जीवन में मसीह में विश्वास से चले जाएं और हम आत्मिक जीवन शुरू कर ले तो हमको दोबारा मृत्यु का कोई डर नहीं। आती तो आए, एक दिन तो मरना सबको, एक मरना है ना, एक ही तो वहां पर हम बचे, स्पिरिचुअली मरे हुए फिजिकल डेथ का ही इंतजार करते लोग, और फिजिकल डेथ के बाद इटर्नल डेथ हो जाती है। यीशु मसीह ने बीच में से रास्ता निकाल दिया, हालेलुया, सब चौकन्ने हो गए कि ये क्या किया इसने। इसीलिए सुसमाचार के प्रचार पर विद्रोह किया जाता है, मत करो, क्योंकि लोग उद्धार पाएंगे। सच्चे सुसमाचार का विरोध था, सच्चे सुसमाचार का विरोध है, और सच्चे सुसमाचार का विरोध रहेगा, और आपको उस विरोध के खिलाफ खड़े होना है, तब आप मसीह में जीवन पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कि आसानी से कोई चीज मिल जाएगी, आपको खुद अपना निर्णय लेना पड़ेगा, व्यक्तिगत है ये, सामूहिक नहीं होगा, ये इंडिविजुअली होगा। आगे पढ़ दो बेटा, क्योंकि वो जो मर गया था, क्योंकि जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए। आप किसके लिए जिंदा है, आपका जीवन किसके लिए है, अपने लिए? अगर उसके लिए जीवन है तो अपना जीवन उसको समर्पित करो, तो उसकी मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं कि प्रभु हम ये चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, हमें ये पसंद है, हमें ना, उसकी पसंद तुम्हारी पसंद, उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा, और जो कुछ वो चाहता है वो तुम्हारे जीवन में हो, ये है मसीही जीवन। आगे पढ़िए, ऐसे ही तुम भी अपने आप को, पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में। ती तो पुनरुत्थान की बात कर रहा है, और ये रियलाइजेशन है खाली, इसमें करना कुछ नहीं है, रियलाइजेशन ऑफ सिन विद क्राइस्ट ऑन क्रॉस गुड फ्राइडे। मसीह के साथ हमको ये रियलाइज करना कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, क्योंकि वो निष्पाप था, तो मेरी मृत्यु हो गई पापों के लिए। तो पुनरुत्थान के दिन हम मसीह में अपने आप को जीवित ना समझे, तो अब आप क्या है मसीह में, तो आप पुनरुत्थान की संतान बन गए, शायद आपको पता नहीं। हालेलुया जी, हो गया ना। रोमियो 8:10, रोमियो 8:10-11, और यदि मसीह तुम में, अगर मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा, और यदि मसीह तुम में है, उसका पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान हो सकता है, अलग से नहीं होगा उसका। यही कलीसिया का शुरुआत थी, पिंतेकुस्त के दिन पुनरुत्थान का सुसमाचार। अब यदि, फिर से पढ़ दीजिए, और यदि मसीह तुम में है तो तुम्हारी बॉडी पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण। क्या ऐसा है? नहीं है तो इसके लिए आप अपने लगे रहिए, स्टडी में लगे रहिए, समर्पण कीजिए, मन फिराइए। मन फिराना बहुत जरूरी है, बिना मन फिराए वो ग्रहण नहीं करेगा। मन फिराने के बाद ही आपके जीवन में कुछ शुरुआत होगी। यदि मसीह तुम में है, मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And if the spirit of him who raised up Jesus, नहीं, हाँ 8:10-11, but if Christ lives in you, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the spirit is alive because of the righteousness that he imputes to you, and if the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you,
then he who raised up Jesus Christ from the dead will also restore to life your mortal short-lived perishable bodies through his spirit who dwells in you. This is the first resurrection. यह है प्रथम पुनरुत्थान. क्या आप इसके भागीदार होना चाहेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, लेकिन जो करना है वो आपके लिए बहुत कठिन है. समर्पण करना है और मसीह को, मसीह हमारे अंदर जिंदा हो जाए, हमारी आत्मा मसीह में हो और हमारा शरीर तो मृतक है, एक दिन मरना है. ये पाप का इंस्ट्रूमेंट था और रहेगा, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे तो शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे. और यही आपके लिए बहुत बड़ी क्रूस है. आपको अपनी क्रूस लेके चलना है. जो कोई मेरे पीछे हो लेना, यीशु मसीह ने बहुत सही बोला था, झूठ नहीं बोला था, उसके पीछे चल लेना, उसको फॉलो कर लेना बहुत आसान बात नहीं है. उसने कहा था जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहे वो अपना क्रूस प्रतिदिन डेली बेसिस पे, हमने आप कहा ना रिटेलर, रिटेल में काम करना है, होलसेल में कुछ नहीं होगा. प्रतिदिन आपको क्या करना है? अपना क्रूस उठाना है. ये पश्चाताप आपको अपने जीवन के, ये मृतक शरीर को, ये हमारे डेड बॉडी है ना, यही हमारी क्रूस है, इसको हमें प्रतिदिन उठाना है, आत्मा में चलना है. हालेलुया. लेकिन ये बहुत सरल है मालूम है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें. डेली आपको दिया जा रहा है, डेली दिया जा रहा है. अब किसकी वैल्यू नहीं मालूम आपको, वास्तव में वैल्यू नहीं मालूम जो आपको डेली दिया जा रहा है. डेली ब्रेड की आदत है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेली ब्रेड. मन्ना से वो उब गए थे, वो चिढ़ गए थे, कहने लगे ये मन्ना खाते हैं, निकम्मी रोटी से हम परेशान हो गए. मन्ना को बोला था उन्होंने, इसराइलियों ने, परमेश्वर नाराज हो गया था, तेज विष वाले सांप भेज दिए थे, कैसे इनको मन्ना से चिढ़ते हैं. वही आज भी है, स्पिरिचुअल डेली ब्रेड से लोग बहुत चिढ़ते हैं. बिल्कुल उनको, उनको यह आदत ही नहीं है कि हमें डेली ब्रेड को डेली ही खाना फ्रेश. बोलते तो है लेकिन खाते कहां, तो भीत हो जाती है वो देख ले लंबा बहुत. मन्ना शुरू से नहीं पसंद है लोगों को, क्योंकि शरीर को, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, ये नेचर है. लेकिन अगर कोई बना हुआ दे रहा है तब, कोई टाइम से नहीं खा रहा है तब, ये भी तो गलती है ना. हिसाब तो लिया जाएगा, परमेश्वर लेगा हिसाब. पहला कुरिन्थियों, मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको एक चीज दिखाते हैं. लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 अध्याय 27 पद से पढ़िए. फिर ये देखिए पुनरुत्थान के विषय में एक यहूदी लोग क्या कॉन्सेप्ट रखते थे, और यीशु मसीह से आके जब बात करने लगे तो ये रेजरेक्शन के विषय में बिलीव यानी बात कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे, एक कहानी देखिए. फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं उनमें से, यानी जो ये बिलीव, ये पुनरुत्थान में बिलीव नहीं करते, ये एक विंग है, उनमें से कुछ ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, पूछा. देखिए कॉम्प्लिकेटेड मैटर लेकर आए थे, किसके पास? एक ऐसे वकील के पास जो सच से जवाब देता था, लेकिन वो भी उनको कहानी से ही बताता. जी हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करे और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे. सात भाई थे, पहला भाई विवाह करके मर गया बिना संतान, हाँ, फिर दूसरे ने शादी की वो भी बिना संतान मर गया, और फिर तीसरे ने भी शादी की वो भी बिना संतान मर गया. इसी रीति से सातों बिना संतान किए मर गए. अंत में वो स्त्री भी मर गई. इसलिए
जी उठने पर वो उनमें से, देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट आज लोगों में है कि नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है ना, जी उठने के बाद हम दोनों फिर मिलेंगे। उन्होंने ऐसी कहानी रखी, साथ थे, बताओ किसकी बीबी कहलाई, वहां पर भी कोर्टरूम खुलवा दिया। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि वो सातों की पत्नी थी। यीशु ने उनसे कहा, अरे ये गलत कॉन्सेप्ट है रेजरेक्शन के विषय में जी, इस युग की संतानों में यहां, यानी जब आप फिजिकल वर्ल्ड में है तो यहां तो विवाह है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, वो ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, वो फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि ये जो पुनरुत्थान की संतान बोला गया है, जो मसीह में है, वो स्वर्गदूतों के समान, इसीलिए सेंट्स बोला गया। आपको मालूम है सेंट पॉल, सेंट पीटर, ये सेंट वर्ड, सेंट मींस जस्ट लाइक एंजल्स, जैसे भी सिस्टर ने बताया ना, बिल्कुल सही बताया गवाही में। स्वर्गदूत का मतलब वो पर वाले नहीं, वो परी कथा है। स्वर्गदूत का मतलब मसीह में जो लोग हैं वो सब स्वर्गदूत। हालेलुया। और स्वर्गदूतों का पवित्र रिश्ता रहता है, वो लोग एक ही रिश्ता पकड़ के खड़े जी। और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी, यानी जितने परमेश्वर की संतान है वे पुनरुत्थान की संतान है, और जितने पुनरुत्थान की संतान है वो सब स्वर्गदूतों के समान है। अब आप देखिए यीशु मसीह ने कहा था कि जिस किसी ने मेरे लिए अपने भाई बहनों को या अपने माता पिता को छोड़ दिया मेरे नाम के कारण, मेरे को फॉलो करने के कारण, उन्हें परमेश्वर के राज्य में खूब माता पिता भाई बहन मिलेंगे। लेकिन वहां पत्नी का जिक्र नहीं आया। गलत हो जाता। सोच के देखिए कितना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मसीह में होना, सच्चे मसीही होना, यानी पुनरुत्थान की संतान होना है। जब आप सच्चे हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप पुनरुत्थान की संतान में, आपको मृत्यु का कोई भय नहीं, आती है कल की आ जाए। इसीलिए पौलुस कहने लगा, मैं मृत्यु से नहीं, मैं जीना मसीह मरना नफा। उसको फिजिकल डेथ क्यों नहीं डर लग रहा था, क्योंकि उसे पक्का कंफर्म था कि मैं तो पुनरुत्थान की संतान हूं। हालेलुया। द्वितीय मृत्यु से हानि नहीं। द्वितीय मृत्यु क्या मालूम, इटर्नल पनिशमेंट, और वो किसके लिए है। अब इसके बाद ये जो मसीहत में जब हम फाइनलाइज सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पुनरुत्थान में आगे बढ़ते हैं, कि ये दो प्रकार से है, एक कहलाता रैप्चर और एक कहलाता सेकंड कमिंग। ये दो पुनरुत्थान का ही दो शब्द है, इंग्लिश में बोल दिए गए हैं, और ये आपको बाइबल में दोनों शब्द नहीं मिलेंगे, ना सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग तो है उसका द्वितीय आगमन, लेकिन रैप्चर वर्ड नहीं है। और इसी को लेकर बहुत झगड़े हैं डॉक्ट्रिनल। हनोक ने कहा कि मैं मसीह को लाखों स्वर्गदूतों के साथ दोबारा आते दिख रहा हूं। ये रैप्चर का सीन था, ही इज टॉकिंग अबाउट रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है जो प्रथम पुनरुत्थान में के भागी हैं, जो कल मसीह में है वास्तव में, ये सब स्वर्गदूतों के समान उसके साथ आएंगे सेकेंड कमिंग में। और वो आ काहे के लिए रहा, न्याय करने। इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वो सब सिंहासनों पर बैठ गए। यीशु मसीह अकेला नहीं होगा, सच्चे मसीही लोग उसके साथ होंगे, और मार्टर्स भी जिनके गले काटे गए हैं उसकी गवाही के कारण और उसका वचन के कारण लोग मारे गए हैं, वो भी होंगे, और हम सब वहां स्वर्गदूतों के समान। इसीलिए लिखा लाखों स्वर्गदूतों के समान यीशु मसीह साथ में आ रहा है, तो अकेला नहीं आएगा। अब वो कैसे आ रहा है, विद हिज एंजल्स। ये कौन है, ये वो पुनरुत्थान की संतान है कलीसिया में, जो मसीह में है, वो नई सृष्टि, ये वही लोग हैं। इसीलिए पौलुस ने बार बार लिखा है कि जब हम उसे वास्तव में देखेंगे तो हम उसके सामने हम क्या होंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में साफ साफ बता रहा है कि हम क्या होंगे।
हम स्वर्गदूतों के समान, वो हम लोगों को साथ लेकर आएगा। उस समय बहुत से मसीही लोग जो जिनकी डेथ हो चुकी होगी फिजिकल, वो भी उसके साथ होंगे और फिर रेजरेक्टेड बॉडी देगा उन्हें, और जो जीवित होंगे वो उठा लिए जाएंगे और उनको तुरंत रेजरेक्टेड बॉडी, हम तुरंत बदल जाएंगे। लिखा यही रैप्चर है कि हम उसके साथ आएंगे, उसके बाद वो न्याय करेगा और फिर जो पुनरुत्थान होगा 1000 वर्ष के बाद वो अविश्वासियों का होगा और दंड का पुनरुत्थान होगा, इटर्नल पनिशमेंट। थैंक यू जीसस। कौन से पुनरुत्थान का आप इंतजार कर रहे हैं? अगर पुनरुत्थान का तो वो तो दंड का पुनरुत्थान है जिसका इंतजार करना है, और आज हम मसीह में पुनरुत्थान की संतान है तो हम ब्लेस्ड है, यही बताया हुआ है उन्होंने। थैंक यू जीसस। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको समझने की शक्ति दे और आपको इस पद तक पहुंचाए। धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, जो आज मर गया वो पाप से छूट गया। जितनी जल्दी छूट जाओ उतनी जल्दी फायदा। फिजिकल डेथ का इंतजार मत करो, डेथ के बाद का रेजरेक्शन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो आज मरना और मसीह में जीना है, ये हमारा रेजरेक्शन है। थैंक यू जीसस। एक लास्ट में वर्स पढ़िए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका ये क्योंकि इसी सब्जेक्ट से संबंधित है। इब्रानियों की पत्री उसका 9:27 इब्रानियों की पत्री 9:27 और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। पाप नहीं उठाने वाला है, अब तो न्याय करने आ रहा, जजमेंट। और इसीलिए पौलुस कह रहा था एक बार मरना, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आपकी फिजिकल डेथ का आप इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक ही मृत्यु है, एक तो हो चुकी, हम आदम से एक तरीके से तो मृतक है आत्मिक तौर पे, फिजिकल ही तो डेथ बाकी है। जिस दिन एक बार मरना उसके बाद न्याय, अगर आपकी फिजिकल डेथ हो गई और आप मसीह में नहीं है तो आप बताइए क्या होगा आपके साथ? न्याय। और उसी न्याय से बचाने के लिए यह कहा जा रहा है कि जो कोई मसीह में है वो बच जाएगा। आप मसीह में हैं? अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास, तुम में मसीह है कि नहीं, ये जांच का विषय है और इसी पे आपको इसी थीम में आगे बढ़ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने लोगों को बात समझ में आ गई है और वो इसका पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, प्रथम पुनरुत्थान के भागी बनना चाहते हैं, पुनरुत्थान की संतान बन के जीना चाहते हैं, वो अपने स्थानों पे खड़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो आप करते हैं वो कल्पनीय है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई प्रभु जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं, आपने योजनाएं बना दी प्रभु और अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य है प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें हमारे जीवन में प्रकाशित होती है, ताकि प्रभु हम खुद भी उस मार्ग में आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और वो ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें भी वो ज्योति मिले और वो सब भी ज्योति की संतान बनकर आपकी महिमा में आगे बढ़े, ताकि आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा का कारण हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।